है वो रिलीफ देने की जो है वो कोशिश की जाएगी। अब मुझे ये समझ नहीं आती है कि जब तमाम चीजें जो है वो खराब हो जाती हैं तो उस वक्त रिलीफ देने की बात क्यों की जाती है, जब पहले ही जो है वो पेशेंट गोई में मौजूद होती है कि सैलाब आने की इंडिकेशन भी होती है और बारिशों की इंडिकेशन भी होती है, तो हमारी जो है वो सोई पड़ी क्यों होती है। आज हमें करबला से ये सबक सीखना है, हमें अपनी सियासत में भी कैसे चलना है, आज हमें हजरत उमर फारूक से, आज सदीकना अकबर से ये सीखना है कि किस तरीके से हमारे जो है वो आगे सिलसिले जो है वो चलने चाहिए, हमें किस तरह से जो है वो खिलाफत करनी चाहिए, हमें किस तरह एक अच्छे मामलात को जो है वो चलाने के लिए पहले पहल जो है वो कौन सी चीजें तजावीज रखनी चाहिए। मदीने की रियासत की बात करते हैं और मदीने वालों के मामलात और हाल एक जरा से भी नजर नहीं है, और हम इस चीज को समझने से कासिर हैं कि हमें स्टेप बाय स्टेप लेना है, करना क्या है। थोड़ी सी सख्ती की जरूरत होती है, जहां पे कानून नाफिज होता है लोग गलतियां कम करते हैं, जहां पे कानून की पासदारी वहां पे गलतियां कम करने की गुंजाइश होती है। तो इसीलिए मेरी वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब से इस प्रोग्राम के थ्रू भी जो है ये अपील है, क्योंकि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ टीवी प्लेटफॉर्म से इसको पेश करना नहीं है, बल्कि इसकी धूमे जो है वो पीएम हाउस और हाउस दोनों जगह पर जो है वो गूंजती है। जब सुबह सुबह मॉर्निंग शो में जो है मैं यहाँ आकर बैठती हूँ और टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो ये बात सिर्फ यहीं तक नहीं रहती कि मैं आम आवाम की आपकी आवाज हुकाम तक पहुंचाने की हर मुमकिन हद तक कोशिश करती हूँ, यहाँ बैठने का फर्ज अदा करती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये कोशिश जो है वो जारी रहे। अब सीएम साहब की बात हो रही है तो सीएम साहब के हवाले से भी एक बड़ी खबर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। आपको पता है कि शराब लाइसेंस केस में उस्मान गुजार साहब जवाब नहीं दे सके हैं। जी हाँ, उनकी पेशी हुई थी, वो गए थे नैब में और जो है वो सवालात का पलंदा पकड़ा दिया गया था, नैब का वजीर आला को तहरीरी तौर पर भेजने का फैसला सामने आ गया। जी हाँ बिल्कुल, रिमांड के लिए जो है वो तहरीरी जो है वो सामने आ गया है नैब का, और शराब लाइसेंस केस में उस्मान गुजार साहब जो है वो जवाब नहीं दे सके हैं, तो नैब ने तहरीरी रिमांड भेजने का फैसला कर लिया है। अब नैब ने वजीर आला को 25 सवालात पे मुश्तमिल सवालनामा और जायदादों से मुतालिक भी 12 सवालात पे मुश्तमिल एक परफॉर्मा पकड़ाया था, दिया था कि इसको जो है वो हल करके हमें दें और बताएं कि ये क्या सूरत हाल है, तो वो सही तरीके से जो है उसका जवाब जो है वो देने से कासिर रहे हैं। इसके अलावा आपको बताते चलें, नो फ्लाई जोन में अमरीकी तैयारी की परवाज, चीन का एहतजाज, जासूस तैयारा नो फ्लाई जोन में दाखिल होना इश्तियाल अंगेजी है। बीजिंग से ये खबर हम आपको दे रहे हैं, नो फ्लाई जोन में अमरीकी जासूस तैयारी की परवाज, चीन का एहतजाज, कहा अमरीकी कार्रवाई से हादसा भी हो सकता था, परवाज असूलों जवाबित के मुताबिक थी, अपनी परवाजें हसब मामूल जारी रखेंगे, अमरीका का जवाब। अमरीका हमेशा से ऐसे करता है, वो इसी तरह दूसरों के हदूद में दाखिल होकर जो है वो खिलाफ वर्जियां करता है और फिर बाद में जो है वो डट जाता है इस चीज पर कि हम ऐसा ही करेंगे। ये तो कुछ थे जनाब, क्योंकि अमेरिका में भी पूर्व नस्ली जो है इम्तियाज के खिलाफ पूर्व तशद्दुद मुजाहरे भी हो रहे हैं और वहां पे मुतहद अफराद जख्मी भी हुए, ये अपनी हर धर्मी की वजह से ये तमाम चीजें जो है वो अमरीका में भी जो है वो चीजें हो रही है। लेकिन अभी मुझे यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ये थी आज की तमाम अपडेट जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर की है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ डॉक्टर अलामा वकास साहब हमें ज्वाइन करेंगे और फिर हमें बताएंगे आज का हमारा टॉपिक है हुसैन सबके हैं, तो हुसैन सबके हैं और आज हम ये साबित भी करेंगे और हम ये साबित करते आ रहे हैं और हमें ये समझना चाहिए कि हुसैन सबके